नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जाती होगी कि भैया मैं कौन से FPS में शूट करूं या FPS का क्या मतलब होता है। तो आज का ये जो टॉपिक है आपके लिए, हम इसी चीज़ को डिटेल करेंगे कि कितने FPS में आपको शूट करना चाहिए, FPS क्या होता है, आपको स्लो मोशन कब करना चाहिए, आपको रियल टाइम में शूट कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना जरूरी कि FPS क्या है। तो अगर मैं FPS की बात करूं तो फ्रेम पर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म है। अब अगर हम ये देखें कि एक सेकंड में अगर आप 24 फ्रेम पर सेकंड रखते हैं, यानी कि एक सेकंड अगर आप शूट कर रहे हैं किसी वीडियो को और अगर आपने उसमें 24 फ्रेम इंक्लूड किए हैं तो वो कहलाएगा 24 FPS। अगर उसी एक सेकेंड में आपने 60 फोटोज़ इंक्लूड किए, 60 फ्रेम्स लिए हैं तो वो कहलाएगा 60 FPS। और उसी एक सेकेंड में अगर आप 120 या 100 से ऊपर फ्रेम लेते हैं तो वो कहलाएगा 120 FPS, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड। अब आपको कब और कहाँ इन्हें रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल करते हैं और देखते हैं कि हमको कब कब क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं 24 FPS की बात करूँ तो हमारा जो ह्यूमन आईज है ये 24 FPS पे ही देखता है एक तरीके से। यानी कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो 24 FPS पे जैसा हम देखते हैं ठीक वैसा ही रियलिस्टिक हमें दिखाई देता है। अगर मैं 24 FPS की बात करूं तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हाथ अगर मैं इस तरीके से हिलाता हूँ तो ये प्रॉपर वे पे एक मोशन ब्लर इसमें क्रिएट होता है। एंड आइए मैं आपको फुटेज के थ्रू दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं, इस फुटेज में हमारा जो सब्जेक्ट है जब वो इस तरीके से हैंड को शेक करता है तो आप देख सकते हैं एक नेचुरल मोशन ब्लर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि अगर मैं इसी फुटेज को 60 FPS में जब शूट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 60 FPS का फुटेज, तब आप देख पा रहे हैं कि इनका जो हैंड का मोशन है जो कि 24 FPS में थोड़ा सा एक मोशन ब्लर दिखाई दे रहा था, वो इसमें कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप 24 FPS में शूट करते हैं और 60 FPS में शूट करते हैं तो ये बेसिकली आपको एक फ़र्क दिखाई देगा कि 24 FPS जो है वो ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा सिनेमेटिक आपको दिखेगा। अगर वहीं पे मैं 60 FPS की बात करूँ तो 60 FPS जो है वो थोड़ा सा स्मूथ दिखाई देता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमको कौन से FPS में शूट करना चाहिए। तो अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं या किसी प्री वेडिंग में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको लिपसिंग करानी है, वहाँ पे आपको नेचुरल मूवमेंट रखना है, आपको उसे स्लो मोशन में नहीं डालना है, तो उस कंडीशन पे आपको 24 FPS पे शूट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप उसमें स्लो मोशन करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए, तो आप वहाँ पे 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर बहुत सारे लोगों के पास जब कैमरे होते हैं तो उस कैमरे में उनके पास होता है 50 FPS और 25 FPS, और बहुत सारे लोग जब कैमरा यूज़ करते हैं तो उनको दिखाई देता है 24 FPS एंड 30 FPS एंड 60 FPS। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कब कहाँ और कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपका कैमरा पाल मोड में है तो आपको ये 25 और 50 FPS दिखाई देगा। अगर आपका कैमरा NTSC मोड में है तो आपको ये 24 FPS, 30 FPS और 60 FPS इस रेशियो में दिखाई देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमको 50 FPS में शूट करना चाहिए या 60 FPS में शूट करना चाहिए। तो NTSC मोड जो है वो पाल से मुझे ज़्यादा प्रॉपर अच्छा लगता है एंड मैं NTSC में शूट करना प्रेफर करता हूँ। अगर आप NTSC पे शूट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा आएगा। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप एक शूट आप पाल में करके देखिए और ठीक उसी शूट को आप NTSC में करके देखेंगे तो दोनों का जो स्टोरेज होगा उसमें काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। अगर एक पाल वाली जो वीडियो है वो हो सकता है आपको 50 MB की बने, तो वही सेम लेंथ का सेम वीडियो जो होगा NTSC में वो 100% उससे ज़्यादा MB का ही बनेगा। तो इस कंडीशन पे हमें NTSC में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप का भी स्वविवेक है, आप किस में शूट करना चाहें ये आपकी मर्जी है। एंड दोस्तों, इसके अलावा आपको एक फ्रेम रेट और दिखाई देगा जो है 30 FPS। तो 30 FPS कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों? अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ या TV सीरियल्स की बात करूँ या
किसी टीवी शो की बात करूं या न्यूज़ की बात करूं या इंडस्ट्रियल वीडियोस की बात करूं, तो ये मोस्टली 30 fps पे शूट किए जाते हैं। अब ये 30 fps पे इसलिए शूट किए जाते हैं क्योंकि 30 fps एक ऐसा फ्रेम रेट है जो बहुत आसानी से किसी भी टीवी में, किसी भी प्लेयर में बहुत ईजी वे पे वो चल जाता है। तो इस कंडीशन से अगर इजी गोइंग आप जाना चाहते हैं तो आप 30 fps पे भी शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि 24 fps में शूट करें या 30 fps में करें या 60 fps पे करें। तो आइए हम इसी टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि अब हमको कब, कहां और कैसे इन चीज़ों को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मोर नेचुरल शॉट्स लेने हैं, अगर आपको कोई इंटरव्यू लेना है, वेडिंग में है या कहीं पर भी, अगर आपको इंटरव्यूज़ लेने हैं तो आप 24 fps पे करें ताकि आपको रियलिस्टिक व्यू दिखाई दे। अगर कोई मूवमेंट ऐसा है जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसको आपको स्लो मोशन करना है या नहीं करना है, तो आप 60 fps पे शूट करें। या अगर आप प्री डिसाइडेड हैं कि इनको, इस सिचुएशन को मुझे पोस्ट में स्लो मोशन करना है, तो आप 60 fps पे शूट करें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगर आपको और सारी चीज़ें जाननी है सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड, तो हमारा एक पर्टिकुलर कोर्स है सिनेमेटोग्राफी का, जो कि school.rajaawasthi.com में सिर्फ 1499 रुपए में अवेलेबल है। आप चाहें तो 1499 रुपए का खर्च करके ये सारी डिटेल्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे साथ YouTube में भी जुड़ रही है, YouTube में भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा अबाउट सिनेमैटिक। फिलहाल आज हम बात करें 24, 30 और 60 fps की। तो 60 fps आपको कब शूट करना है, जब आपको उसे स्लो मोशन करना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, अगर मैं एक रियल व्यू दिखाना चाहता हूं, जैसा कि हमारे पास यहां पे भाई आ रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें उनका स्मूथनेस एक रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है, यानी कि हल्का सा मोशन ब्लर आपको दिखाई दे रहा है। जबकि सेकंड जो फुटेज आप देख पा रहे हैं यहां पे, उस फुटेज में आपको देखने को मिलेगा कि हमने इसे 60 fps में शूट किया है, और 60 fps में शूट करने के कारण ये वीडियो ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेमैटिक लुक चाहिए तो आप 24 fps में जाएं। अगर आपको स्मूथ चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, आपको मोशन ब्लर नहीं दिखाना है आपके वीडियो में, तो आप 60 fps पे भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर हम 24 fps पे शूट करते हैं और हम अपने कैमरे को सडनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सडनली घुमाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मोशन ब्लर है वो ज़्यादा दिखाई देता है। अगर मैं इसी फुटेज को 60 fps पे शूट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरे को इस तरीके से मूव करता हूँ तो हमारे कैमरे में ज़्यादा मोशन ब्लर दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि 24 fps पे शूट करेंगे या 60 fps पे शूट करेंगे। एक दिक्कत आपके दिमाग में आ रही होगी या एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई, अगर मैं कुछ शॉट जो हैं वो 24 fps में शूट कर लूँ, कुछ 60 fps में शूट कर लूँ, कुछ 25 fps में शूट कर लूँ, कुछ 120 fps में शूट कर लूँ, तो हमको क्या प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अगर आप एडिटिंग में जाते हैं और टाइमलाइन में आप 24 fps पे लेते हैं या 24p पे लेते हैं या 25p पे लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो स्मूथनेस है 24 fps का, वो 24 fps जैसा दिखाई देगा। 60 fps पे जो शूट किए हैं उसका स्मूथनेस 60 fps जैसा दिखाई देगा, और अगर आपने 120 fps पे शूट किया है तो 120 fps जैसा स्लो मोशन बराबर दिखाई देगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इन सारे अलग अलग सीक्वेंसेस को हम कैसे पैच करेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप हमें इस तरीके के फुटेजेस को किस तरीके से मैनेज करके ये मुझे बताएं या हमें बताएं, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक और ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अगर प्रीमियर प्रो में वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रीमियर प्रो में किस तरीके से सीक्वेंसेस को रखना चाहिए, किस किस तरीके से आप अलग अलग fps को एक साथ बहुत आसानी से मर्ज कर सकते हैं और ये प्रॉपर सिनेमैटिक लुक आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको कितने fps में शूट करना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप कोई म्यूजिक एल्बम शूट करें जहाँ पे आपको लिपसिंग करनी है या इस तरीके का कुछ करें, तो आप डेफिनेटली 24 fps पे शूट करें, और उनके जो एक्स्ट्रा बी रोल शॉट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपको कहीं कहीं पर यूज़ करना है, आप उनको 60 fps या अगर चाहें तो सुपर स्लो मोशन में शूट कर सकते हैं। इसके अलावा एक
एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कि आप सभी के लिए, कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट यानी अगर आपका जो क्लाइंट है, अगर आपका वेडिंग का कोई क्लाइंट है, उसको अच्छे से पता है कि रियल सिनेमैटिक लुक क्या है, तो डेफिनेटली आपको 24 FPS पे शूट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कई सारे क्लाइंट्स के साथ जब आप इस तरीके से 24 FPS पे शूट करके दे देते हैं, तो ये होता है कि वो उनको लगता है कि यार इमेज जो है वो ब्लर हो रही है, उनको काफ़ी इस चीज़ का फील नहीं आता है ऑन सेल्फ वेडिंग, उनके खुद के वेडिंग में उनको ये फील नहीं आता। तो उस कंडीशन पे आप कोशिश करें कि आप 60 FPS पे शूट करके सारा टेंशन ख़त्म कर लें। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 24 FPS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जितने भी बड़े सिनेमेटोग्राफर्स हैं, चाहे वो वेडिंग के हों, मैं अगर वेडिंग की बात करूँ तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 24 FPS पे मैक्सिमम शॉट्स लेते हैं, एंड सम क्रिएटिव उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं वही स्लो मोशन या दूसरी चीज़ों को लेते हैं। तो इस तरीके से आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा FPS यूज़ करते हैं ये भी हमें बताइएगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, आप क्या आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएं, कि किस तरीके से हम इसके फुटेजेस को मर्ज करते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर भी जरूर एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट उसे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर करते रहते हैं। इसके अलावा लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा, मेरा जो नंबर है जिसमें आप WhatsApp करते हैं तो प्लीज़ आप WhatsApp ना करें, क्योंकि मैं WhatsApp से इनएक्टिव हो चुका हूँ। तो अगर आपको WhatsApp से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो ये मेरी गलती नहीं होगी, आप प्लीज़ WhatsApp ना करें, आप Instagram में मुझे DM करें या फिर मुझे मैसेज करें, तो फिर मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊँगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय।